मरियम नवाज की जिना हॉस्पिटल आमद पर कारकुनों की धक्कम पेल, बदनज़मी, मुठभेड़ के दौरान मरियम नवाज के सर पर कैमरा लग गया। सर के बाएं तरफ लगी चोट, हाथ रखकर बार बार सहलाती रहीं, सर पर कैमरा लग गया। आप सवाल पूछते हैं, मरियम नवाज का सहाफी को जवाब, वालिद की इयादत की, हॉस्पिटल के बाहर लीगी कारकुनों की नारेबाजी। नवाज शरीफ लाहौर से जिना अस्पताल में जेरे इलाज, नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी कब होगी, कहां होगी, मामला हल ना हुआ। शरीफ खानदान ने चुप साध ली, जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान भी एंजियोग्राफी से मुतालिक सवाल गोल कर गए। इलाज से मुतालिक बेहतर मालूमात प्रिंसिपल आरिफ तजम्मल देंगे, डॉक्टर अदनान की गुफ्तगु। जिना अस्पताल इंतजामिया की भी पुर इसरार खामोशी। शरीफ बरादरान अपनी बीमारी का इलाज मुल्क से बाहर ढूंढते हैं। शरीफ बरादरान इक्तदार में हो तो अच्छा, बाहर हो तो बीमार हो जाते हैं। आसिफ जरदारी का फ्यूज उड़ गया, तहरीक नहीं चला सकते, जिस दिन चाहूंगा एपीसी में चला जाऊंगा। शेख रचीद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, मगर समझाए कौन। लाहौर पुलिस का सुधरने से इनकार, पुलिस गर्दी का एक और वाकया। डिफेंस बी ब्लॉक में पुलिस एहलकार दीवारें फलांग कर बेवा खातून के घर में दाखिल। पुलिस एहलकार दामाद को पकड़ने के लिए आए, घर के दरवाजे तोड़ दिए, तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा खातून का इल्जाम, लाहौर न्यूज ने वाकये की फुटेज हासिल कर ली। तकब्बुर, गाड़ी और पैसे का खुमार दिखाने वाले कानून शिकन कानून के शिकंजे में। पुलिस कांस्टेबल पर गाड़ी चढ़ाने वाले तीन मुलजिम सादा से गिरफ्तार। मुलजिमान में कार ड्राइवर शैब, असद अली और तलहा लियाकत शामिल। थाना इकबाल टाउन में मुकदमा दर्ज। इकदाम कत्ल, कार्य सरकार में मदाखलत समेत दीगर दफात शामिल। लाहौर हाईकोर्ट बार की इलेक्शन पोलिंग खत्म होने में दो घंटे बाकी, पोलिंग का अमल जारी। वकला में जोशो खरोश, सदर और सेक्रेटरी समेत चार ओहदों के लिए 14 उम्मीदवारों में मुकाबला। आसमा जहांगीर ग्रुप के सदारती उम्मीदवार हफीजुर्रहमान और हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवार खादिम हुसैन कैसर के दरमियान कांट का मुकाबला मतवक्के। लतीफ खोसा ग्रुप के साजिद बशीर भी मद मुकाबल। हामिद खान, लतीफ खोसा, साजिद बशीर, राणा ज़ियाउर्रहमान, चौधरी तनवीर अख्तर ने वोट कास्ट किया। सदारती उम्मीदवारों की अपनी अपनी जीत के दावे, कामयाब होकर वकला के मसाइल का हल तरजीह होगी। सदारती उम्मीदवार खादिम हुसैन कैसर, आसमा जहांगीर के उम्मीदवार हफीजुर्रहमान भी जीत के लिए परअज़्म। एडवोकेट हामिद खान का कहना है कि बार की क्यादत ने मायूस किया, वकला के मसाइल हल करने के बजाय अपने जाती मफादात के काम किए। आसमा जहांगीर ग्रुप का उम्मीदवार हफीजुर्रहमान ही जीतेगा। वाइस चेयरमैन बार काउंसिल एहसन भून पर उम्मीद। खातिन वकला के लिए अलग पोलिंग बूथ कायम, जोशो खरोश दीदनी। खातिन वकला अपने हामी उम्मीदवारों के लिए सरगर्म, पूरी तैयारी के साथ वोट कास्ट करने आई, अपने अपने उम्मीदवार की जीत के दावे। हाईकोर्ट बार के इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। एसपी और दो डीएसपी समेत 240 पुलिस एहलकार तैनात, ट्रैफिक प्लान भी जारी। हाईकोर्ट के तराफ में रास्ते बंद, मुजांग चौक से बरास्ता फैन रोड ट्रैफिक के लिए बंद। लक्ष्मी चौक से जीपीओ चौक आने वाली ट्रैफिक नेपियर चौक से मोड़ी जाने लगी। आशियाना केस में शहबाज शरीफ पर कोई करप्शन साबित नहीं हुई, वफाकी वज़रा ने प्रोपोगंडा मुहिम चलाई। मुल्ज़िम को मुजरिम साबित करने की कोशिश की गई। तर्जुमान नून लीग मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले ये कौन सी मदीना रियासत है जहां लोगों पर तोहमतें लग रही हैं। शहबाज शरीफ और साद रफीक पर इल्जामात बेबुनियाद हैं। अलीम खान समेत तीन वज़रा ने इल्जाम लगने पर इस्तीफे दिए। इदारों की कार्रवाइयों का हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मीडिया से गुफ्तगु। गवर्नर हाउस में शेल्टर्स होम के लिए कंबल अतिया करने की तकरीब। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की भी गवर्नर पंजाब से मुलाकात, दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। शह
शहबाज शरीफ का ECL में नाम शामिल करने का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। वकील आजम नजीर तारड़ से मुशावरत मुकम्मल। आइंदा हफ्ते शहबाज शरीफ की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। शहबाज शरीफ हर पेशी पर अदालत में पेश हुए, नाम ECL में शामिल करने का कोई जवाब नहीं। वकील शहबाज शरीफ। ज़ीशान से मशकूक अफराद के रवाबित का घर वालों को इल्म था। JIT की रिपोर्ट में ज़ीशान से मुतालिक अहम इंकशाफात। ज़ीशान की गाड़ी दहशत गर्दों के इस्तेमाल में थी। ऑपरेशन में शामिल अहलकार दहशत गर्दी की कार्रवाई से खौफजदा थे। जाए वकुआ के बाद फ्रांसिक लैब को ना बुलवाना भी मुजरिमाना गफलत है। JIT रिपोर्ट। इम्तिहानात की निगरानी तालीमी बोर्ड ने इम्तिहानात के दौरान सुपरिटेंडेंट्स को नायब कासिद रखने से रोक दिया। अब इम्तिहानी सेंटर्स में नायब कासिद नहीं रखे जा सकते, निगरानी नायब कासिद का काम करेंगे। पाबंदी का इतलाक यकम मार्च से मैट्रिक के इम्तिहानात से होगा। कत्ल और फ्रॉड के मुकदमात साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर की बुरी दरखास्त जमानत में 2 मार्च तक तौसी। सेशन कोर्ट का थाना मिलत पार्क और नसीराबाद पुलिस को रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। शाह आलम मार्केट में बाबा चोर गैंग सरगर्म। 65 साला चोर की वारदात के फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। मुलजिम महारत से पर्स लिफाफे में डालकर फरार हो गया। नए पाकिस्तान में भी पुलिस की पुरानी रवैश, शहरी पर बदतरीन तशद्दुद। गुलबर्ग पुलिस ने मुतासरा शख्स को मॉडल टाउन कचहरी में पेश कर दिया। शाहिद के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद, अदालत का मेडिकल कराने का हुक्म। असातिज़ा की खाली असामियों और तरक्कियों का मामला, तमाम अथॉरिटीज के अफसरान रिकॉर्ड लाएं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 27 फरवरी को बुला लिया। रहनुमा और साबिक रुकन असम्बली राणा तजम्मुल हुसैन इंतकाल कर गए। सुबह 4 बजे के करीब हार्ट अटैक हुआ। PIC में दम तोड़ गए। राणा तजम्मुल 3 मरतबा रुकन असम्बली मुंतखब हुए। नमाज जनाजा बाद नमाज असर दयाल गांव में अदा की जाएगी। शहर में 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर का मामला, तब्दीली सरकार का। 8 माह बाद तामीराती काम दोबारा शुरू करने का फैसला। फंड्स जारी। LDA की रिवाइज्ड PC1 की तैयारी शुरू। पंजाब यूनिवर्सिटी का 128वां कॉन्वोकेशन। 38 उम्मीदवारों में PhD की डिग्रीज तकसीम। MPhil के 120, मास्टर्स के 96, BS ऑनर्स के 78 तलबा को डिग्रीज और मेडल से नवाजा गया। सूबाई वजीर ज़राअत मलिक नुमान लंगड़ियाल की लाहौर चैम्बर आमद। ओहदेदारों ने ज़राई शोबे से मुतालिक दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। हुकूमत ने किसान दोस्त इकदाम किए, ऑयल सीड को फरोग दे रहे हैं। माजी में एग्रीकल्चर मार्केटिंग पर तवज्जो नहीं दी गई। सूबाई वजीर मलिक नुमान। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बच्चों की तितली घर की सैर। बच्चों की मौज मस्ती, पार्क्स और सैरगाहों की जी भरकर सैर, दोस्तों के साथ गपशप। बच्चों को तालीम और तफरी की सहूलियात मुहैया करना हमारी तरजीह है। चेयरपर्सन सारा अहमद।